यहाँ से जाएंगे इकाना स्टेडियम और आज है लखनऊ और राजस्थान का, हाँ लखनऊ और राजस्थान का मैच है। तो आज हम पूरा आपको दिखाएंगे ब्लॉग और यहाँ से कैसे स्टेडियम पहुँचते हैं, किस प्रकार टिकट लेते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और बात करें यहाँ लखनऊ आने की, तो लखनऊ हम सुबह 5 बजे आ गए, नहा धो के पूरा रेडी हैं। बस एक कमी है चश्मे की, तो अभी चल के चश्मा खरीदते हैं और चाय वगैरह पी के यात्रा शुरू करते हैं। इकाना स्टेडियम में आपको दिखाते हैं किस प्रकार हम लोग इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, टिकट वगैरह लेंगे। बाकी बने रहिए वीडियो में। हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और साथ में मिल गया मेरे दोस्त, ये भी जा रहे हैं मैच देखने और अभी रास्ते का आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम इकाना स्टेडियम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इकाना स्टेडियम। और अभी हम लोग को टिकट वगैरह भी लेना है, लेकिन अगर बात की जाए स्टेशन से इकाना में आने में कितना किराया लगता है, तो स्टेशन से इकाना की दूरी जो है वो 13 किलोमीटर है और किराया मात्र 70 रुपए है। लेकिन अभी जो है IPL चल रहा है, इसलिए लोग ऑटो वाले जो है किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मांग रहे हैं। हम लोगों से 100 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने 75 रुपये दिया। लेकिन आप जब भी आए तो 70 रुपये ही दीजिएगा। बाकी अभी हम लोग टिकट लेते हैं, फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। और साथ में मेरा एक दोस्त भी मिल गया है। तो भाई फर्स्ट टाइम IPL देख रहे हो? हाँ भाई। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इनका भी फर्स्ट टाइम है, तो साथ में जाते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार टिकट कहाँ मिल रहा है, कैसे, जो भी है वीडियो में बने रहिए। टिकट जो है यहाँ से मिलेगा और 11 बजे जो है टिकट मिल जाएगा। और यहाँ जो है तमाम दुकानें लग चुकी हैं टी शर्ट का और ये सब है। ये सारे दुकानें जो है अभी लग चुकी हैं और ये टी शर्ट जो है 200 में टी शर्ट है। तो गाइस मैं जो है इंडिया का टी शर्ट ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही टीमों में मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, इसलिए मैं दोनों का टीम का ना लेकर के इंडिया का ले रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ तक जो है हम लोग स्टेशन से इकाना स्टेडियम आ गए हैं और इकाना स्टेडियम आने के बाद बुक माई शो से ऑनलाइन टिकट किया था हमने और यहाँ पर आने के बाद से ऑफलाइन टिकट लेना है। तो ठीक स्टेडियम के सामने जो है हमारा ये मॉल का एक रोड गया है और बॉक्स ऑफिस उधर बना है, तो सबसे पहले उधर बॉक्स ऑफिस जाएंगे और टिकट लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। स्टेडियम के ठीक ये रोड गया हुआ है और यहाँ पे जो है बॉक्स ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे जो है तकरीबन 10 काउंटर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं और टिकट लेते हैं। तो फ्रेंड टिकट ले लिए हैं और यहाँ पर जो है तमाम काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ से टिकट जो है आप ले सकते हैं। और टिकट के पीछे सारे नियम कानून लिखे हैं कि क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। बैग वगैरह हम लोगों ने पहले ही जमा कर दिया है, सिक्का भी आप नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं ले जा सकते हैं। सब कुछ स्टेडियम में बहुत ही महंगे रेट पे तो
भाई इधर चीयर लेडीज जा रही थी और इन्हें देख कर लोग क्या ही चिल्ला रहे थे, पूरा स्टेडियम गूंज उठा और आतिशबाजी हो रही थी, जो कि मज़ा ही आ गया, गाने वगैरह चल रहे थे। और कुछ ही देर में हमें दिख जाते हैं विराट कोहली के हूबहू उन्हीं के शक्ल के, जिन्हें लोग जो भी देख रहा था विराट कोहली ही समझ रहा था, और लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे और मैंने भी बुलाया, इसने हाय दिखाया, तो फ्रंट से तो नहीं लेकिन यार साइड से जो है विराट कोहली ही लग रहा था एकदम। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाटा पंच .ev, तो मैं एकदम नीचे आ गया था इधर उधर देख करके, फिर ये चीयर लीडर्स जो है डांस वगैरह कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ही गजब का खेल हुआ। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली लखनऊ जो है हार गया, क्योंकि मैं लखनऊ को सपोर्ट करने नहीं गया था, क्योंकि दोनों ही टीमों में, तो यहाँ पे राजस्थान को चाहिए 23 बॉल पे 35 रन, जो कि राजस्थान जीत जाता है इस तरह से। और मैं भी जो है अब चलने की तैयारी में हूँ। वैसे खेल मतलब IPL देख के तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन TV में देखने का कुछ अलग ही मज़ा है और यहाँ पर जो है कुछ अलग ही मज़ा है। तो फ्रेंड बाहर निकलते समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी मैच देखने। तो आप बाहर से ये स्टेडियम देख सकते हैं, काफ़ी शानदार और सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड मैच तो खत्म हो गया, राजस्थान रॉयल्स जीत गया और लखनऊ हार गया, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव मैच देखने का। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।